हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट फोर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेटेंसी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लेटेंसी स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम जानते हैं कि जो सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस दी हैं, ओरल स्टेज, इनर स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। ओरल स्टेज का टाइम पीरियड बर्थ से 1.5 वर्ष तक रहता है और एनल स्टेज में बच्चा 1.5 से 3 साल का होता है। यदि हम फेलिक स्टेज की बात करें तो यहाँ पर बच्चा 4 से 6 साल का होता है और लेटेंसी स्टेज में बच्चा 7 से 11 साल का होता है और 11 साल के बाद आपकी जेनाइटल स्टेज शुरू हो जाती है। तो यदि हम यहाँ पर सिर्फ लेटेंसी स्टेज की बात करें तो यहाँ पर बच्चा 7 से 11 साल का है, मतलब कि इस समय पर वो अपनी लेटर चाइल्डहुड की एज में है। तो मतलब कि जो बच्चा है इस टाइम पर वो स्कूल जाता है, ये उसकी स्कूल एज है। तो अब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है, मिलता है। तो मतलब कि वो बहुत सारे पीयर रिलेशंस को फॉर्म करता है, दोस्त बनाता है और इसी के साथ वो बहुत सारी स्कूल की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहता है। तो इस वजह से उसकी जो सेक्सुअल अर्जिस होती हैं वो लेटेंट हो जाती है, मतलब कि छुप जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पीयर रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन फैक्टर इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज। तो आपको बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में एक फैक्टर कौन सा है। तो ये है आपका कॉन्टिग्युइटी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कॉन्टिग्युइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिमेंटिक मेमोरी स्टोर्स। तो आपको बताना है कि जो सिमेंटिक मेमोरी है इसमें क्या स्टोर होता है। तो जो सिमेंटिक मेमोरी है यहाँ पर फैक्ट्स, लॉजिक, रूल्स, जनरल अवेयरनेस, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आइडियाज, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी नॉलेज है, चाहे वो शब्दों के मीनिंग से लेकर हो, ये सारी चीजें आपकी सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साउंड ऑफ द बेल इन पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इज। तो आपको बताना है कि पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी में साउंड ऑफ बेल क्या चीज है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो घंटी का बजना है वो क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कंडीशन स्टिमुलस। और यदि पूछा जाए कि इनकी थ्योरी में फूड क्या है, तो जो फूड है वो क्या है, आपका एक अनकंडीशन स्टिमुलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल। तो आपको बताना है कि जो मोटिवेशन साइकिल है इसकी पहली स्टेज कौन सी है। तो जो मोटिवेशन साइकिल है इसकी पहली स्टेज नीड रहती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नीड। यदि हम मोटिवेशन साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हमें किसी चीज की नीड होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। जो नीड है इससे ड्राइव उत्पन्न होती है और जो ड्राइव है इससे अराउजल होता है। अराउजल होने की वजह से हम गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करते हैं, मतलब कि गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे एक्शंस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हमें अचीवमेंट मिल जाती है। तो अचीवमेंट मिलने के बाद जो अराउजल है वो कम हो जाता है और उसके बाद कोई और नीड उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो मोटिवेशन का साइकिल है इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो है नीड, उसके बाद ड्राइव, उसके बाद अराउजल, उसके बाद गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, उसके बाद अचीवमेंट और लास्ट स्टेप है आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल। और ये जो साइकिल है ये इस तरह से कंटिन्यूअस वे में चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सिलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस फॉर प्रोसेसिंग। तो आपको बताना है कि जब हम सिलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन को फोकस में लाते हैं, मतलब कि उसको ध्यान में लाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अटेंशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, TAT इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग। तो आपको बताना है कि जो TAT यानी थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है, इसके इस्तेमाल से हम किस चीज को मेजर करते हैं। तो जो TAT है आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है और इसका यूज पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन। तो आपको बताना है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो यदि हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकते, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट होता है।
और इसी चीज को हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो ये आपकी इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी सभी में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज। तो आपको बताना है कि फ्रॉयड के अनुसार पर्सनैलिटी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच कौन सी है। तो यह है आपका ईगो। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ईगो। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, और जो ईगो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, और जो सुपर ईगो है ये मोरलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेटो ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज। तो आपको बताना है कि जो प्लेटो ऑफ लर्निंग है वो क्या सिग्निफाई करता है। तो हम जानते हैं कि जो प्लेटो ऑफ लर्निंग है ये एक ठहराव को बताता है, कि जो लर्निंग है उसमें एक ठहराव आ गया है, मतलब कि ये क्या है, एक स्टेशनरी स्टेज है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लर्निंग हॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे, वन ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में शामिल रहता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इक्विलिब्रियम। तो आपको याद रखना है कि जो इक्विलिब्रियम है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। इसी के साथ आपको यह बात भी याद रखनी है कि जो पियाजे हैं इन्होंने अपनी थ्योरी में चार की कॉन्सेप्ट की बात की है, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। जो स्कीमा है इसका मतलब होता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर, मतलब कि एक बच्चा या कोई अडल्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ कैसे डील कर रहा है, इस चीज को हम स्कीमा कहते हैं। मतलब कि जो भी उसके सामने प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको कैसे करना है, ये सारी चीजें आपके स्कीमा में आती है। इसके बाद जो एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, जो उसने पहले स्कीम बनाई होगी वो उसको क्या है, नए ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेगा। तो जब भी हम एग्जिस्टिंग स्कीम में कोई नई चीज ऐड करते हैं तो इस चीज को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है कि जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमा को नए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो इस चीज को हम अकोमोडेशन कहते हैं। और जो इक्विलिब्रियम है इसका मतलब होता है एक बैलेंस मेंटेन करना, मतलब कि पहले से जो एग्जिस्ट स्कीमा है और जो नया स्कीमा है इसके बीच में क्या है, एक बैलेंस बनाना, एक बैलेंस मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज एम्फसाइज्ड। तो आपको बताना है कि एरिक्सन ने अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में किस चीज पर ज्यादा एम्फसाइज किया है, जोर डाला है। तो हम जानते हैं कि इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जहां पर इन्होंने सोशल फैक्टर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सोशल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज। तो आपको बताना है कि इनमें से वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है। तो यदि हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो ये ऐसे टेस्ट होते हैं जहां पर लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यदि हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल देखें तो बीने साइमन टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, ये आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर आपको ये जितने भी टेस्ट दिए हैं, आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया वेट्री टेस्ट, राविन प्रोग्रेसिव मेट्रिसिस टेस्ट, ये सभी आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व। तो आपको बताना है कि क्रिएटिविटी में कौन सी चीज नहीं आती है। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो क्रिएटिविटी है उसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल, ठीक है। जब भी हम कोई नई चीज, ओरिजिनल चीज को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो इसमें आपकी नोबेलिटी भी आती है, ओरिजिनलिटी भी आती है, इमेजिनेशन भी आती है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए, कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो आपकी क्रिएटिविटी है इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है, बल्कि जो आपकी क्रिएटिविटी है इसमें कौन सी थिंकिंग का यूज होता है, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज होता है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात तो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या है, किसी एक सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। मतलब कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसका यूज ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है जहां पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, मतलब कि एक ही सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स इन एटीट्यूड्स इज आर। तो आपको बताना है कि एटीट्यूड में कितने नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट होते हैं। तो जो एटीट्यूड है इसमें थ्री कॉम्पोनेंट होते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थ्री।
अब यदि हम बात करें ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड की, तो इस मॉडल को एल्बर्ट एलिस के द्वारा डेवलप किया गया है और इस मॉडल को ट्राइपार्टाइट मॉडल भी कहते हैं। और इसके तीन कंपोनेंट है, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट और कोग्निटिव कंपोनेंट। जो आपका अफेक्टिव कंपोनेंट है, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं। और जो बिहेवियरल कंपोनेंट है, इसमें हम देखते हैं कि जो एटीट्यूड है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बिहेवियर पर। और जो कोग्निटिव कंपोनेंट है, इसमें बिलीफ और नॉलेज आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड है वो किसके द्वारा दिया गया है, अल्बर्ट एलिस के द्वारा। और ये जो तीन कंपोनेंट है कौन कौन से हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट और कोग्निटिव कंपोनेंट। यहाँ आप इसे ABC मॉडल से याद रखोगे कि A से आपका अफेक्टिव कंपोनेंट, B से आपका बिहेवियरल कंपोनेंट और C से आपका कोग्निटिव कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पॉजिटिव री एनफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स डैश। तो आपको बताना है कि पॉजिटिव री एनफोर्समेंट से किसी भी रिस्पॉन्स को लर्न करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है या घटती है या फिर वो चेंज नहीं होती है। तो जो री एनफोर्समेंट है ये क्या करती है, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है इसको लर्न करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्सेप्ट ऑफ LAD वॉज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि जो LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो इसे चॉम्स्की ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इज। तो आपको बताना है कि जब हम नई इन्फॉर्मेशन को फिट करने के लिए एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अकोमोडेशन। हमने थोड़ी देर पहले भी ये बात की थी कि जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई इन्फॉर्मेशन को फिट करने के लिए उसको मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मेथड है जहाँ पर वेरिएबल्स को एक्टिवली मैनिपुलेट किया जाता है और उन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो ये चीज एक्सपेरिमेंटल मेथड में की जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।